हेलो एनिम फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खबर की लीक फुटेज। और जैसी खुराफात करके मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि देखिए हम कौन सी स्टोरी ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी खबरें तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि मौसम का हाल और लव सिटी पर सभी आने वाली कहानियों के पीछे के जो राज होते हैं ना, वो किसी को नहीं पता होते, वो मुझे भी नहीं पता होते, वो शायद आपको भी नहीं पता होते। उनको बस दो ही जानते हैं, एक है भगवान और दूसरी है हमारी लव सिटी के लिए स्टोरीज लिखने वाली शर्मा राइटर। बस वही जानती हैं कि कब किसको क्या, और मैं किस राज की बात कर रही हूँ आप जानते हैं ना। हाँ, किसे पता था कि जो विलेन है एक इस स्टोरी की, जो विलेन है महामाया, उसका रिश्ता श्लोक के माँ बाबा से निकलेगा, एक कौन जानता था, है ना। अब आप भी एकदम से शॉक्ड हुए होंगे ना जब आपने देखा होगा, हाँ मतलब ये इस तो ऐसे आप रह गए होंगे, है ना। और अगर आप पहले से जानते थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। या किसको पता था कि वही महामाया जो हरदम श्लोक पर अपनी नज़र रखती थी आश्रम के अंदर, वही श्लोक की बुआ निकलेगी, ये किसको पता था। और अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपका मैसेज पहुंचाऊंगी शर्मा राइटर तक। देखिए कि आपको भी गैस करने वाले लोग यहाँ पर हैं जो आपकी सारी खबरें पहले से जानते हैं कि आप कौन सी चाल चलने वाली हैं, मतलब आप करेक्टर को कैसे नचाने वाली हैं, मतलब वही है, मतलब तो वही है। अरे समझ जाया करो यार, मैं मतलब समझ जाओ, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोल रही। और वही है कि अब पहले आगे का स्पॉइलर अलर्ट देखिए, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ और फिर करते हैं बात। तो देखिए स्पॉइलर अलर्ट और फिर करिए बात पारुल के साथ। माया अपने बीते काले कल के अंधेरे में रहकर और कब तक पाप करेगी मेरी बहन। आज राखी है और ये मुझे राखी भी नहीं बांध कर गई। पद्मा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें, असली बंदरिया चाहिए क्या? बदतमीज, अभी नाक रगड़ साध्वी जी के सामने। ओह माय गॉड, ये तो सारी कहानी रचने वाले ये हैं। मुझे ये बात श्लोक को जल्दी बतानी होगी। आपने स्पॉइलर अलर्ट देख लिया होगा और जैसे मेरे मन में सवाल हैं आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो मैं आपको अपने सवाल बता रही हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भी पढ़ लूँगी और आप मेरे सवाल सुन लीजिए। तो मेरे मन में पहला सवाल ये आ रहा है कि कैलाश की बहन महामाया एक विलेन कैसे बनी और एक साधु कैसे बनी, और अगर साधु बन गई तो फिर वो इतनी दुष्ट कैसे होगी कि हमें कहानी में उसको विलेन दिखाना पड़ा। तो मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि गोपाल और आरती को लेकर उसके मन में क्या चल रहा है, और वो नक चढ़ी मीरा सारा गेम क्या ख़राब कर देगी। वो गोपाल से इतना चिढ़ती है तो उसका मतलब, मेरे सारे कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और श्लोक और गीत की जोड़ी हिम्मत से, प्यार से, बहुत ज़्यादा सारी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को आगे कब बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इसके 11,000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, है ना, और हमको 1,00,000 सब्सक्राइबर पर जाना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैंने आपके ऐसे ही कमेंट्स पढ़े जिसमें आप लिख रहे थे कि आपको कॉलेज वाली और दोस्तों की कोई ऐसी लव स्टोरी वाली कहानी चाहिए। तो मैंने आपकी बात मानी और आपके लिए एक नई सीरीज मेरे हम सफ़र शुरू की है, और जिसका फर्स्ट एपिसोड एनिमी स्टोरीज पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए और वो जाकर देखिए, और आपके अपने चैनल लव सिटी पर आपकी फेवरेट सीरीज का एपिसोड 12, इश्क का रंग सफ़ेद का एपिसोड 12 अपलोड हो चुका है, और काका टीवी पर बड़े घर की बेटी एपिसोड 2 अपलोड हो चुका है, और हॉरर सिटी पर आप जानते ही होंगे कि उस पर क्या चल रहा है। तो सभी चैनल्स पर जाइए और अभी जाकर चेक कीजिए। हाँ, हॉरर सिटी का मैंने आपको नहीं बताया है कि हॉरर सिटी पर क्या चल रहा है, तो आप हॉरर सिटी पर जाइए, चेक कीजिए कि लेटेस्ट एपिसोड कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर अगले एपिसोड में मैं लेती हूँ आपका नाम। और एक ज़रूरी होमवर्क जो है मेरे हम सफ़र एपिसोड फर्स्ट में, मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया है। अब आप जाइए, जब एपिसोड देखेंगे ना तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, और जब आप उसको क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे तब मैं आपका स्पेशल नाम इस वीडियो में लूँगी। और सिर्फ इसमें ही नहीं, एनिमी स्टोरीज़ की वीडियोज़ में भी आपका नाम लिया जाएगा।
तो जल्दी जाइए, सारे वीडियो चेकआउट कीजिए, देखते रहिए एनिम फैमिली व्लॉग ऑफिशियल को, जिस पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ स्टोरीज के पीछे की स्टोरी, और इसके साथ साथ एनिम स्टोरी, लव सिटी, काका टीवी, हॉरर सिटी एंड एसएससी एनिमेशन को भी अपना भरपूर प्यार दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।